या हाय, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आखिरी वीडियो इस चैप्टर का। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, हमें जो डायरेक्टर्स और की मैनेजरियल पर्सन्स का एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है एज़ पर सेक्शन 170 रूल 17 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो उस रजिस्टर के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं और उसको हमें ROC के साथ फाइल करना होता है तो कब फाइल करना होता है, कौन सा फॉर्म नंबर है, प्लस इस रजिस्टर को कंपनी का कोई भी मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, और इस रजिस्टर में अगर उस मेंबर को कुछ कॉपी चाहिए तो वो कॉपी भी निकलवा सकता है कंपनी से फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर कंपनी निकालने से मना कर देती है तो हम ROC के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में 170 और 171 के अंदर पढ़ना है। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा सेक्शन है, ईजी है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टू बी इंक्लूडेड इन रजिस्टर कैप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस, तो उसके अंदर हमें क्या क्या लिखना है, 10 चीज़ें तो आपके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जैसे डायरेक्टर का डिन, फुल नेम, फॉर्मर नेम, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन। इन 10 बातों के अलावा 5-6 और बातें हैं जैसे कि डेट ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन इन विच अपॉइंटमेंट वॉज मेड, ओके, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड री अपॉइंटमेंट और डेट जिस दिन ऑफिस वेकेट कर रहा है, ठीक है, एंड रीजंस देयर ऑफ, और उसके बाद ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन हेल्ड इन एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट, अगर किसी और कंपनी में भी बंदा डायरेक्टर है या कोई पोजिशन के ऊपर है तो वो भी आप बताएंगे इस रजिस्टर के अंदर, और पैन नंबर, मेंबरशिप नंबर, मेंबरशिप नंबर किसका, इन केस अगर वो CS है वो बंदा, क्योंकि कंपनीज को मैंडेटरी होता है एक कंपनी सेक्रेटरी भी अपॉइंट करना, तो अगर वो कंपनी में कोई CS है तो उसका मेंबरशिप नंबर। ठीक है, ये सब डिटेल्स के साथ साथ कंपनी ये और बताएगी कि पर्टिकुलर डायरेक्टर ने कितने शेयर्स होल्ड कर रखे और उसका शेयर्स का फोलियो नंबर। कंपनी शैल ऑल्सो इंक्लूड डिटेल ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन कंपनी, इट्स होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी एंड एनी अदर सब्सिडरी ऑफ कंपनीज होल्डिंग कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। तो जो शेयर्स की डिटेल है सिर्फ कंपनी की ही नहीं, जैसे सपोज कीजिए कि ये एक कंपनी है ए, इसकी 2 सब्सिडरीज हैं बी और सी। सपोज कीजिए हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर बी की, मतलब जो डायरेक्टर जो बी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, ठीक है, अब अगर उसने सी में भी कोई शेयर हेल्ड कर रखे हैं जबकि सी से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस यही है कि बी और सी आर बोथ आर सिस्टर कंसर्न, ठीक है, दोनों की जो पेरेंट कंपनी है होल्डिंग कंपनी है वो सेम है, तो अगर बी में जो डायरेक्टर है उसने सी में भी कोई शेयर हेल्ड कर रखे हैं तो उसका भी इन्फॉर्मेशन हमको देना है। ठीक है, अब आते हैं हम फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो जो ये रजिस्टर है इसको आप फाइल करते हैं इन DIR 12 इस फॉर्म के अंदर विद ROC, कितने दिन में, विद इन 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट एंड विद इन 30 days ऑफ एनी चेंज टेकिंग प्लेस। एनी चेंज के अंदर आपका रेजिग्नेशन, मतलब डायरेक्टर जा रहा है उसका डिटेल आ सकता है, या इनमें से कोई चेंजेस हो रहे हैं वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर बन गया या कोई उसका एड्रेस वगैरह चेंज हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं और वो जैसी कंपनी को इन्फॉर्म करता है डायरेक्टर तो विद इन 30 days कंपनी को भी यही सब डिटेल DIR 12 के अंदर ROC को बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और रिकनेक्ट कर सकते हैं कि सेक्शन नंबर 168 के अंदर, जिसके अंदर हमने पढ़ा था रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, तो जब डायरेक्टर रिज़ाइन कर देता है तो उसके रिज़ाइन करने के विद इन 30 days कंपनी को ROC को बताना होता है इन फॉर्म DIR 12। एक बार देख लेते हैं, ये देखिए 168 के अंदर यहाँ पे लिखा है ना, कंपनी विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ROC को इन्फॉर्म कर रही है इन फॉर्म DIR 12, अपनी वेबसाइट पे डाल रही है और ये फैक्ट डायरेक्टर रिपोर्ट में बता रहे हैं। तो अब ये DIR 12 वाला पॉइंट आपको आई होप याद रहेगा अच्छे से, ठीक है, और यहाँ पे आप चाहे तो सेक्शन 170 का रेफरेंस भी दे सकते हैं। ये सेक्शन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, ये उस कंपनी पे जो कि गवर्नमेंट कंपनी और जिसमें सारे शेयर गवर्नमेंट के पास हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी इन विच शेयर्स आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोथ, प्रोवाइडेड देर इज़ नो डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 137 एंड 92। तो डेट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन 170। अब 171 देखो,
कि इस रजिस्टर को मेंबर्स कब इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मेंबर्स का क्या राइट है. सेक्शन 171 मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP. तो 171(1)(a) ठीक है, इसमें दो पार्ट है, ए और बी. ए पार्ट तो कहता है कि आप कभी भी कंपनी में आ जाओ बिजनेस आवर में और चेक कर लो, और बी पार्ट कहता है कि आप AGM में भी इंस्पेक्ट कर सकते हो. तो ए में ये कह रहे हैं, रजिस्टर ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर. मेंबर हैव राइट टू टेक एक्सट्रैक्ट देयर फ्रॉम एंड कॉपी रिक्वेस्टेड विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन 30 डेज बाय द कंपनी. तो कोई भी मेंबर आ सकता है. सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको आप ध्यान रखना, कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, मेंबर. ओके, मेंबर के अलावा नॉन मेंबर कोई है तो उसको कंपनी मना कर सकती है. तो कोई भी मेंबर आ सकता है ड्यूरिंग फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर. वो चेक करेगा रजिस्टर, उसको कोई पर्टिकुलर पेज चाहिए तो वो कंपनी को बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को ये पेज चाहिए, तो विद इन 30 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी वो पेज प्रोवाइड करवाएगी. 171(b) कहता है कि भाई रजिस्टर ओपन है AGM में, हर AGM में जो भी आदमी वो मीटिंग अटेंड कर रहा है वो उस रजिस्टर को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, एंड एक्सेसिबल टू एनी पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग. अब 171(2) बोलता है, अगर कोई कंपनी इसमें 171(a) में रिफ्यूज़ कर देती है रजिस्टर दिखाने से ड्यूरिंग बिजनेस आवर, तो फिर क्या किया जाए. रिफ्यूज़ल बाय कंपनी फॉर इंस्पेक्शन और प्रोवाइडिंग कॉपी अंडर सेक्शन 171(1)(a). ठीक है, तो जो कॉपी की बात हो रही है वो AGM में नहीं हो रही. AGM में तो क्या है भाई, लिमिटेड टाइम के लिए कहीं पे मीटिंग हो रही होती है, वहाँ उधर उन्होंने अपना रजिस्टर भी रख दिया, तो किसी को कोई मीटिंग में आया है उसको रजिस्टर देखना है, उसने देख लिया. बट अगर किसी को कॉपी वगैरह चाहिए तो वो सिर्फ मेंबर्स को मिलेगा, और मेंबर आ सकते हैं ओनली ड्यूरिंग द बिजनेस आवर इन द कंपनी. ठीक है, तो अगर मेंबर आते हैं तो और कंपनी रिफ्यूज़ करती है, देन वॉट विल हैपन, रजिस्ट्रार ROC ऑन एप्लीकेशन मेड टू हिम विल ऑर्डर इमीजिएट इंस्पेक्शन और सप्लाई ऑफ कॉपी. तो आप रजिस्ट्रार को जाके शिकायत कर दो और वो लोग एक्शन लेंगे. ये एप्लीकेबल नहीं है ऑन गवर्नमेंट कंपनी वोज एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ. तो इनको तो वैसे भी रजिस्टर भी मेंटेन करना कोई कंपलसरी नहीं है, तो ये क्यों कंपलसरी होगा. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक्स वो इज नॉट ए मेंबर ऑफ कंपनी वॉन्ट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स. तो एक्स क्या है, मेंबर नहीं है, तो क्या वो इंस्पेक्ट कर सकता है, नहीं इंस्पेक्ट नहीं कर सकता. कैन द कंपनी रिफ्यूज इंस्पेक्शन, यस कंपनी इंस्पेक्शन रिफ्यूज कर सकता है. तो इसके अंदर आपको ये प्रोविजन देना है, पहले 171(1)(a) आप लिखेंगे और उसमें बताएंगे कि इसमें सिर्फ मेंबर्स को राइट दिया गया है, तो इसलिए कंपनी को राइट है कि कंपनी उनको ना दिखाए. अब ये पूछते हैं, इज देयर एनी रेमेडी अवेलेबल टू एक्स. तो बीइंग ए नॉन मेंबर एक्स को कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, बट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन एग्जाम. आपको पता है भाई रेमेडी मेंबर्स को तो अवेलेबल है, तो आप ये वाला प्रोविजन लिखेंगे 171(2) और फिर लिखेंगे एज दिस इंस्पेक्शन कैन बी डन ओनली बाय मेंबर्स, सो एक्स बीइंग अ नॉन मेंबर दिस रेमेडी इज नॉट अवेलेबल टू हिम. क्लियर है? तो इस तरह क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए. तो आपका ये रजिस्टर वाला टॉपिक भी अब फिनिश होता है. आखिरी टॉपिक आपका रह गया पेनल्टी पनिशमेंट्स का. इसका सेक्शन आखिरी सेक्शन है 172, ठीक है, पनिशमेंट ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 11 कंटेनिंग सेक्शन 149-171. तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें हमने कहीं जगह पढ़े हैं, 3-4 जगह पनिशमेंट्स और पेनल्टी के बारे में बता रखा था, उसके अलावा और कहीं भी नहीं बता रखा. तो इसका मतलब उन सेक्शंस को छोड़ दो, उसके अलावा पूरे ये सारे सेक्शंस में 149-171 अगर कोई भी प्रोविज़न कॉन्ट्राविन किया जाता है तो कंपनी और कंपनी के एवरी ऑफिसर को, ठीक है, फाइन लगेगा कम से कम 50,000 रुपये और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़. If no specified punishment is provided, then company and every officer who is in default is punishable with minimum fine of 50,000 and extendable to 5 lakh. अब इसके अंदर for your benefit कि और कहाँ कहाँ punishment दिया गया था, मैं एक बार मैंने summarize कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. तो ये सारे सेक्शंस में 149 से लेके 171 तक ये पर्टिकुलर आपके 4 सेक्शन हैं जिसके अंदर पेनल्टीज़ अलग से बता रखे है. सबसे पहले आपका डिन के बारे में हम बात करते हैं. डिन में 157 के अंदर क्या था कि कंपनी को इन्फॉर्म करना था ROC को कि ये डिन नंबर है डायरेक्टर का. अगर कंपनी इन्फॉर्म नहीं करती तो क्या होता है, 25,000 पर डे प्लस 100 रुपीज़ पर डे का फाइन लगता है कंपनी को, विच इज़ एक्सटेंडेबल मैक्सिमम मतलब 1 लाख का है. ओके,
और अगर यही दिन के अंदर कोई कॉन्ट्रावेंशन डायरेक्टर करता है 152, 155, 156 में, तो पेनल्टी दे रखा था सेक्शन 159 में, और कितना था 50,000 आपका मिनिमम प्लस 500 पर डे। उसके बाद ही डायरेक्टर से रिलेटेड दो और पनिशमेंट्स थी, एक 165 में कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डायरेक्टरशिप है उसको वायलेट करते हैं, 20 से ज़्यादा डायरेक्टर बन जाते हैं आप, तो फिर 5,000 पर डे आपको पेनल्टी लगेगा जब तक आप इसको सुधार नहीं करते। और वैकेशन ऑफ ऑफिस के केस में अगर आपको ऑफिस वैकेट करना है फिर भी आप डायरेक्टर बने हुए हैं तो 1,00,000 का पेनल्टी है, मैक्सिमम 5,00,000 का पेनल्टी है, और साथ में 1 साल का जेल भी हो सकता है और बहुत। और अब आपका 172 जो कि जर्नल है, ठीक है, इसके अंदर दे रखा है 50,000 से लेके 5,00,000 तक। तो ये आप कहीं पे अपना लिख के रखिए, जब आप रिवीजन करेंगे तो इस पर्टिकुलर चार्ट को ज़रूर देखिएगा, तो आपको इजी रहेगा रिवीजन करने में। ऑल राइट, तो अब एक बार हम अपने टॉपिक्स देख लेते हैं। ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं कवर, ये आज हमारा आखिरी टॉपिक था इस वीडियो के अंदर, 170, 171, 172 ये भी हो चुका। बस डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अब एक वीडियो और है जिसके अंदर मैं कंप्लीट प्रोविजन जितने अभी तक हमने पढ़े हैं उसका मैं रिवीजन आपको करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।